फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप ये सैंडविच देख रहे हैं कितना चीज़ी और क्रीमी लग रहा है। आज मैंने वेज चीज़ मायोनीज सैंडविच बना के तैयार किया हुआ है बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपको कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा हो बाहर का, तो आप इस तरीके से घर में ये वेज चीज़ मायोनीज सैंडविच बना के तैयार कीजिए। और अगर आपको ये वेज चीज़ मायोनीज सैंडविच की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल कविता की रसोई को सब्सक्राइब कीजिए। और उसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। अब वेज चीज़ मायोनीज सैंडविच बनाने के लिए हम चलेंगे किचन की ओर। वेज चीज़ मायोनीज सैंडविच बनाने के लिए मैंने एक बड़ा बाउल लिया हुआ है। बाउल के अंदर मैं एक बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करूंगी और आधे कैप्सिकम को मैंने बारीक कट कर लिया हुआ है। आप अपने पसंद के कुछ वेजिटेबल इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मेरे पास जो वेजिटेबल थे वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। मैंने बॉइल्ड स्वीट कॉर्न लिया हुआ है, ये 4 से 5 चम्मच के करीब है। इसके अंदर मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करूँगी और इसके अंदर हम 3 चम्मच के करीब मायोनीज ऐड करेंगे। आधा छोटी चम्मच के करीब मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ और इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, क्योंकि मायोनीज के अंदर भी नमक होता है, तो इसलिए नमक आप थोड़ा सा कम ही ऐड करना। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे मैंने अलग अलग तरीके की सैंडविच की रेसिपी अपलोड की है, उसके लिए आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिए। और हमारे ये सैंडविच की स्टफिंग जो है बनके तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब इसे हम साइड में रख देंगे। मैंने ये 2 सैंडविच ब्रेड के स्लाइस लिए हुए हैं, मेरा ब्रेड जो है साइज में बड़ा है। अब इसके ऊपर हम बटर अप्लाई कर देंगे। बटर को आप फ्रिज में से पहले ही निकाल के रख दें, तभी आपका बटर इस तरीके का होके रेडी हो जाएगा। अब बटर को हमें इस तरीके से पूरे ब्रेड पे अप्लाई कर देना है। ब्रेड के दोनों स्लाइस पे मैंने बटर को अच्छे से अप्लाई कर दिया हुआ है। अब हमने जो स्टफिंग रेडी किया हुआ था वो स्टफिंग हम इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। मैंने स्टफिंग को ब्रेड के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दिया हुआ है। अब इसके ऊपर हम चीज़ को ग्रेट करेंगे। मैंने प्रोसेस चीज़ लिया हुआ है, आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और चीज़ को हमें ब्रेड के स्लाइस पे अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। अब चीज़ मैंने इसके ऊपर अच्छे से ग्रेट कर दिया हुआ है। अब ये ब्रेड का जो दूसरा स्लाइस है वो मैं इसके ऊपर इस तरीके से रख दूंगी। ब्रेड का दूसरा स्लाइस मैंने इसके ऊपर रख दिया हुआ है। अब इसके ऊपर भी हम बटर अप्लाई कर देंगे। जितने अच्छे से आप ब्रेड के ऊपर बटर लगाएंगे उतना ही आपका क्रिस्पी ये सैंडविच बनके तैयार होगा। तवा हमारा गर्म हो चुका है। जिस साइड मैंने बटर अप्लाई किया है वो साइड मैं नीचे की तरफ रख दूंगी इस तरीके से। गैस का फ्लेम हमें मीडियम करके ही रखना है। इसे मैं हल्का सा इस तरीके से प्रेस कर देती हूँ और ऊपर के साइड भी हम बटर अच्छे से अप्लाई कर देंगे। आप चाहे तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हम पलट लेते हैं, ये नीचे से थोड़ा सा सिक चुका है। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से हमारा ये ब्रेड जो है सिक चुका है। अब नीचे से भी इसे हम इसी तरीके से सेक के रेडी कर लेंगे। और चीज़ देख रहे हैं, मेल्ट होके बाहर निकल रहा है। अब हमारा ब्रेड नीचे से भी सिक के रेडी हो चुका है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आप चाहे तो इसे केचप के साथ या मायोनीज के साथ सर्व कर सकते हैं। अब सैंडविच को मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि कितना चीज़ी और क्रीमी हमारा ये सैंडविच बनके तैयार हो चुका है। इसी तरीके से बाकी के सारे सैंडविच हम बना के तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वेज चीज़ मायोनीज सैंडविच की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल कविता की रसोई को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय।